हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। होप है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स की मेल आ रही थी कि मैम क्लास नाइन्थ के जो हमने दो चैप्टर्स करवा दिए गए थे, थर्ड को भी कंटिन्यू की जाए। तो आज की वीडियोज में स्टूडेंट्स हम वन शॉट रिविजन करने वाले हैं, मतलब 20 मिनट में हम कंप्लीट चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। इतना ही चैप्टर आपका नाइन्थ का, तो यूनिट थर्ड। इससे पहले दोनों यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, नाइन्थ के भी, वैसे ही हमने टेंथ के भी कर रखे हैं, ट्वेल्थ के भी 7 से 8 यूनिट हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट है। बीएससी हमने कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है, तो कंटेंट काफ़ी है चैनल्स के ऊपर, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट या मेल के थ्रू भी पूछ सकते हो। तो दोनों फैसिलिटीज आपको दे रखी हैं, और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियोज में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का जो यूनिट थर्ड है अपनी, क्या क्या एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसको हमें डिटेल से सीखना है स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट। तो कोई स्टूडेंट्स अगर एक वीडियो ये देख लेगा कंप्लीट, तो एटम और मॉलिक्यूल आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। तो इसमें है क्या स्टूडेंट्स आपका, पहले अगर हम बात करें कि ये कैसे आया, जब स्टार्टिंग में अपनी केमिस्ट्री की ओरिजिन है वो स्टार्ट हुई थी मैटर से। जैसे आपने नाइन्थ क्लास में सबसे पहला चैप्टर था हमने सीखा कि मैटर है क्या, भाई कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ मास हो और वो वॉल्यूम हो, वॉल्यूम दैट मीन्स वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, वो क्या है मैटर। जैसे ये आपका क्या है, आपका कोई भी थिंग्स मान लो आप अपने आसपास है सारी, तो इनका वजन भी है आपके पास, ठीक है, मार्कर है, अभी इसका वजन भी होगा, कहीं रखेंगे तो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता, दैट मीन्स ये मैटर है। फिर हमने पहले लेसन्स में सीखा कि मैटर को हमने फिजिकल क्लासिफिकेशंस में सॉलिड में डिवाइड किया, लिक्विड में किया, गैस में किया, दो स्टेट और होती हैं, बोस आइंस्टीन और प्लाज्मा। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स हमने दो में डिवाइड किया आपका सब्सटेंस और मिक्सर। फिर मिक्सर को हमने आपको समझाया कि होमोजीनियस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस क्या है, सब्सटेंस आपको बताया, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड में डिफरेंस। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, अलग वो ये जानना चाहते थे कि हम किसी भी मैटर को जैसे उसको तोड़ रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, मान लो इसको हम डिवाइड करें, पहले दो हिस्सों में कर दिया, फिर और किया और किया और किया, वो ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ तक सबसे छोटा पार्ट, एक ऐसी स्टेज आ जाए जिसके बाद हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, उसको नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे चलते आते यूनिट थर्ड तक क्या होता जो आपकी, फिर यूनिट फोर्थ में आ जाएगा आपका, उसमें एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पर फिर लाल्टन आया था, एक उसने बताया था कि एटम तक पहुंच गया था मैटर को तोड़ते तोड़ते, लास्ट में बोल दिया एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का एटम। तो इसने बोल दिया डाल्टन ने कि एटम कैसा है आपका, इंडिविजिबल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें पता है और यूनिट फोर्थ में भी आप पढ़ोगे स्टूडेंट्स कि एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एटम को भी आप तोड़ सकते हो तीन चीजों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके बाद इस पे भी चल रही है, इसको भी मेजोन, लेप्टॉन, क्वार्क्स जो चले हुए हैं, और इसके बाद में और तोड़ेंगे। तो साइंटिस्ट इसके ऊपर जा रहे हैं, तो नाइन्थ वाले आप सोच रहे हो कि कहाँ तक तोड़ेंगे, तो साइंटिस्ट डिस्कवरी चलती रहती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बता दिया, अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन के अंदर, न्यूट्रॉन इनके अंदर भी चल रही है। तो आपके लेवल तक आपको यहाँ तक ही बढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक। तो अब ये लेकिन हमारा चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसमें उन्होंने क्या बताया, जैसे हम हमारी बॉडी लगा लो अपने आसपास सारी चीज अलग अलग टाइप ऑफ एटम से बने हैं। फॉर एग्जांपल हम पानी पीते हैं, पानी का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, H2O। तो यहाँ पे किस कौन से एटम से बना है, एक हाइड्रोजन एटम भी अटैच है आपके और ऑक्सीजन एटम है, दो एटम आपस में कंबाइन हुए, वो दो की फॉर्म में, तीन में हो, तो आपके पास एक मॉलिक्यूल बन गया। डिफरेंट क्या है स्टूडेंट्स, जैसे एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट, और मॉलिक्यूल क्या होता है, जब आप ग्रुप ऑफ एटम को कंबाइन कर देते हो, मान लो कि एक एटम हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन, आपने दोनों को जोड़ दिया तो एक कंपाउंड बन गया। फॉर एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन है, इन दोनों को हमने छोड़ दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या होगा, एक मॉलिक्यूल। तो ग्रुप एटम को जब जोड़ देना, कंबाइन करना, वो मॉलिक्यूल बन जाता है। और एक ये होता है स्टूडेंट्स, एटम होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो आपके एग्जिस्ट करेंगे किसी डायटोमिक फॉर्म हो सकती है, ट्राइस टाइप से, लेकिन जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। आगे हम डिटेल से बताएंगे इनका क्या मतलब है आपका। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो इसमें आपके दो ऋषि भी आए थे, एक कन्नड़ था जो आपका 2500 साल पहले की बात है ये 1500 BC, तो उस टाइम उन्होंने क्या बताया था, एक परमाणु बोला था एटम को ही, पहले हिंदी में बोला था उन्होंने परमाणु, कि परमाणु सबसे छोटा पार्ट है किसी भी एलिमेंट का, आपने जो भी देख रहे हो कि इसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हम इसको भी तोड़ सकते हैं। फिर साइंटिस्ट आएंगे अलग अलग, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन करता है, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने, दोनों की इंपॉर्टेंस थी, न्यूट्रॉन की चैडविक ने, या आपको यूनिट फोर्थ में पढ़ना है। फिर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आपको दो स्टेटमेंट पढ़नी है, दो लॉ दी गई हैं, जैसे हर एक की लॉ होती है ना फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ, इस टाइप से, तो वैसे ही इसमें आपको दो लॉ पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स पहली लॉ है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
ठीक है, और यही वाली फिर श्री 11th क्लास में फिर आएगी आपकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। तो स्टूडेंट्स इस लॉ के अकॉर्डिंग कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट, और क्या कांस्टेंट रहने वाला है, मास। तो इसने ये बोला था कि जब आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, समझाने के लिए बता रहे हो कि ए प्लस बी कंबाइन होकर यहाँ पे सी दे रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, या सी प्लस डी भी दे रहे हैं मान लो, तो यहाँ ये क्या होता है जो जुड़ते हैं आपस में, जो कि कुछ बनाने वाली चीज को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो आपका जिसका यूज करके बनाए उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ने क्या बोला था कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वल। रिएक्टेंट का जो भी मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, मतलब मास को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर, खुद से क्रिएट थोड़ी करें, हर एक एटम का मास ना ही तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम किसी भी एटम मान लो कि किसी में अगर मास 8 आप हो गया हम इसको 4 कर देंगे तो नहीं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है। तो एटम का मास का ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय हो सकते हो, ये क्या रहता है रिएक्शन के दौरान कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसके रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, तो आपको क्या कर रखा है रिएक्टेंट दे दिया प्रोडक्ट दोनों का मास दे रखा है, तो आपको कंबाइन करना है रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल है उनका मास देख लिया, मान लो इसका मास 5 था और इसका दे रखा है 7 रिएक्टेंट में, और जो सी बना है उसका दे रखा है 12, तो आपको देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रहा है नहीं, तो क्या करोगे रिएक्टेंट में 5 है दोनों को, 5 प्लस 7 कितने होंगे 12, प्रोडक्ट में 12, इसका मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मास क्या है बराबर है, वो चेंज नहीं होता, तो मास बराबर रहता आपका। क्या कहा था इसने, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। फिर स्टूडेंट्स दूसरी लॉ आती है आपकी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो क्या कहती है, अब वो बताती है डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जैसे अपना पानी है, तो पानी में अगर मास का रेशियो हम देखें तो ऑक्सीजन का मास एटोमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर करोगे स्टूडेंट 16, हाइड्रोजन का 2 हो गया, 1 का 1 था 2 का क्या तो 2, तो इसका रेशियो करोगे तो क्या आया 1:8 है। तो ये क्या बोलती है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि जब कोई भी मॉलिक्यूल हो जाए, पानी आपका घर का पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, तालाब का ले लो, कहीं से भी पानी लोगे तो उसमें मास का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा हमेशा 1:8 ही रहने वाला है। जैसे CO2 का एग्जांपल ले लो, CO का मतलब रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा मास का, सोर्स कौन सा भी हो, ठीक है। ये दो ही लॉ पढ़नी थी स्टूडेंट्स आपको। फिर आता है आपका डाल्टन, तो डाल्टन भाई साहब आगे फिर उन्होंने क्या बताया अपने को, ये सारी थिंग्स आपको 11th में भी पढ़नी पड़ती है स्टूडेंट्स। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, इनके बारे में ही बताया था, पहले दो आए उन्होंने बोल दिया कि एटम को हम, तो पहला तो डाल्टन ने बोला था कि एटम है ना वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा इसने बोला कि एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, एलिमेंट का, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है, इससे आगे कोई छोटा हो नहीं सकता, डाल्टन ने बोला था ये अभी। फिर इसने बोला कि जब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन तो एटम पार्टिसिपेट करता है रिएक्शंस में। अब आपको बता कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने पानी बनाया H2O2 को, तो वहाँ कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, एक हाइड्रोजन के एटम ने ऑक्सीजन दोनों आपस में कंबाइन किए कुछ रिएक्शन की, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होते हैं तो कौन पार्टिसिपेट करता है उसमें, एटम करते हैं। फोर्थ पॉइंट इसने बताया कि सेम आइडेंटिकल अगर एटम एक है, अगर सेम एलिमेंट है तो उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होंगी, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, मान लो स्टूडेंट्स आप जैसे हाइड्रोजन के पानी में ये बना है और यहीं अगर ऑक्सीजन में, तो अगर दोनों में एलिमेंट सेम है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की वही प्रॉपर्टी रहेगी, यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी रहेगी। तो अगर एलिमेंट सेम है तो उसके जो भी एटम वो प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, लेकिन एलिमेंट अलग है, मान लो कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी आपको, अलग मिलेंगी, तो ठीक है। और जब आपके एटम कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस बन रहे तो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो ये 5 से 7 पोस्टलेट्स बताए थे डाल्टन ने। इसकी लिमिटेशन भी आ जाती है स्टूडेंट्स, फिर लिमिटेशन क्या होती है कि डाल्टन ने तो अपने को बोल दिया कि एटम इंडिविजुअल है, लेकिन हमें पता है कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, आगे अलग अलग साइंटिस्ट आए उन्होंने डिस्कवर किया, वो आपको यूनिट 4th में पढ़ना है, तो उन्होंने हम इसकी लिमिटेशन एक तो ये रहेगी कि इसने तो बोला था कि डाल्टन ने कहा था कि एटम इससे आगे हम तोड़ ही नहीं सकते, ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, ये लास्ट स्टेज आ गई, वैसे आगे नहीं तोड़ सकते आप। लेकिन बाद में हमने पता चला कि एटम को भी हम तोड़ सकते हैं, किस किस में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, तो पहली लिमिटेशन। दूसरी स्टूडेंट्स क्या लिमिटेशन थी इसकी कि डाल्टन ने ये बोल दिया अपना कि एलिमेंट अगर सेम है तो उनकी प्रॉपर्टी सारी सेम मिलेगी और अलग एलिमेंट है तो अलग है, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं होता स्टूडेंट्स इन केस ऑफ आइसोटोप्स। तो एक वर्ड आपने नहीं सुना होगा जो 9th के बच्चे हैं, तो अभी आप सुन सकते हो क्या वर्ड है, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के केस में ये वाला पॉइंट ओबे नहीं होता। आइसो का मतलब होता है स्टूडेंट सेम। आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो सेम मिलेगा आपको और मास नंबर क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3, इनका नाम भी होता है, इसको प्रोटियम बोलते हैं,
इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ये होता है ट्राइटियम कॉमन नेम में। अब यहाँ देखो एलिमेंट सेम है ना स्टूडेंट सब में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नीचे वाला यहाँ लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ भी एटॉमिक नंबर वन, यहाँ पे भी वन, यहाँ पे भी वन, लेकिन यहाँ मास नंबर एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, तो ये तीनों क्या है एक दूसरे के आइसोटोप्स। और जब आप इनकी प्रॉपर्टी चेक करने जाओगे तो इसकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग मिलेगी, इसकी अलग मिलेगी। जैसे इनको तो हम उसमें भी यूज करते हैं रेडियो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोटीन ड्यूटेरियम को सोर्स के लिए, तो प्रॉपर्टी अलग मिलती है। लेकिन अपने को डाल्टन ने तो क्या बोल दिया कि अगर एलिमेंट सेम है, देखो हाइड्रोजन सेम है ना दोनों में, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम आनी चाहिए थी, लेकिन प्रॉपर्टी हमें अलग मिलती है, तो ये भी इसकी क्या बन जाती है लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये दो ही थ्योरी पढ़नी थी और एक पोस्टलेट्स देखनी थी आपको डाल्टन की तीन। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखना था कि एटम क्या है, ये हमने आपको बता दिया। मॉलिक्यूल क्या है, जब आप एटम को कंबाइन कर दोगे, दो एटम्स को कर दिया तीन को। फिर इसमें स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक फॉर्मूला बनाना। आपको क्या कह देंगे, फॉर्मूला बनाइए। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया आपको कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाइए, तो उससे पहले आपको एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स सिंबल्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स मान लो आपको कोई भी फॉर्मूला बनाना है तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि हम क्या सिंबल लें, क्या लिखें। जैसे अगर ए बी सी डी लिखने देते आपको यही नहीं पता ए को कैसे लिखते हैं, बी को कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक सिंबल है और ये डिसाइड करती है आईयूपैक। वैसे स्टूडेंट्स आईयूपैक की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये ही डिसाइड करती है कि किसका क्या नाम होगा। तो उन्होंने हर एक एलिमेंट्स, वैसे तो पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट प्लस अभी दो एलिमेंट्स और डिस्कवरिंग चल रही है, तो उनके सभी के नाम तो आपको इतना नहीं रखना, 20 तक तो आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स अगर सोडियम लिखा, सोडियम का सिंबल होता है Na, कैपिटल है ना स्मॉल ये करोगे। क्लोराइड का होता है स्टूडेंट्स ये सीएल, अगर इसी को आप ऐसे लिख देते ना तो ये सोडियम का सिंबल नहीं होता, तो आपको सिंबल लिखने आने चाहिए। पहले सिंबल लिख लिया सोडियम, लिख लिया क्लोराइड, फिर स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए वैलेंसी। तो याद रखना स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो हम लिखवा रहे हैं आपको, लिथियम आ जाए, सोडियम आ जाए, पोटेशियम आ जाए, रुबिडियम आ जाए, सभी की मिलेगी आपको प्लस वन वैलेंसी। अगर स्टूडेंट्स बेरिलियम आ जाए, मैग्नीशियम आ जाए, कैल्शियम आ जाए, स्ट्रोंशियम, सबकी क्या मिलेगी स्टूडेंट्स प्लस टू। अगर हेलोजन आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनकी होती है माइनस वन। अगर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, सेलेनियम आ जाए, तो इनकी होती है आपकी टू, माइनस का टू। अगर आपके पास स्टूडेंट्स नाइट्रोजन आ जाए, फॉस्फोरस आ जाए, आर्सेनिक आ जाए, तो इनकी रहती है थ्री। कार्बन आ जाए, सिलिकॉन आ जाए, जर्मेनियम, तो सबकी रहेगी चार। तो अगर इतने अगर आपको याद है स्टूडेंट्स तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है, इजीली आप सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हो यहाँ से। और एक ये कर लो, बोरोन आ जाए, एल्यूमिनियम आ जाए, गैलियम आ जाए, तो इनकी होती है थ्री। वैसे जब आप हाई क्लास में जाओगे तो आपको पीरियडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इतनों को अगर आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे 9th 10th लेवल तक के। अब स्टूडेंट्स सोडियम का सिंबल आपने लिख लिया सबसे पहले Na, क्लोराइड का सिंबल लिख लिया, अब इनकी वैलेंसी इनके नीचे लिख लो। सोडियम की कितनी वैलेंसी थी, वन थी, क्लोराइड की कितनी थी, माइनस वन थी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वैसे यहाँ पे जब फार्मूला बनाओगे तो माइनस हो प्लस हो वन ही काम करना है, मैग्नीट्यूड का फर्क है। अब यहाँ ने कितने से मल्टीप्लाई हुआ, वन से, तो यहाँ Na और यहाँ बन गया Cl, तो आपको सिंबल्स कोई वो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक बात और याद रखना स्टूडेंट, जब पूरा कंपाउंड बन जाते हैं तो ओवरऑल चार्ज इन पे न्यूट्रल होता है। अब चार्ज टोटल देखोगे तो Na पे प्लस वन, Cl पे माइनस वन, दोनों को ऐड करो तो कितना चार्ज आया, जीरो। तो ऐसे आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिसमें आपको क्या करना है, अलग अलग फार्मूला बनाना है। तो एक आप कैलकुलेट करके देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है स्टूडेंट्स, क्लोराइड का Cl होता है, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन का सिंबल H है आपके पास, कार्बन का N है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस का ये है, पोटेशियम का ये होता है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम का ये होता है, बेरिलियम, तो बहुत सारे टेबल है वहां से आप देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था, बोरोन आ जाए, एल्यूमिनियम आ जाए, गैलियम, सबकी वैलेंसी होती है तीन, क्लोराइड की कितनी होती है माइनस वन, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है आपको, क्या फार्मूला बन गया AlCl3। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला बन गया AlCl3। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आपको हाइड्रोक्साइड आ जाए, OH आ जाए, तो उसकी होती है माइनस वन, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, NO3 है तो भी उसकी माइनस वन होती है। ऑक्सीजन आ जाए, कह दे आपको सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखो, तो सोडियम का Na ऑक्साइड का हो, सोडियम की वैलेंसी वन, ऑक्साइड के माइनस टू, तो क्या फार्मूला बन गया Na2O। तो इस टाइप से जो भी आ रहे हैं तो उनको आपको फार्मूला लिख लेना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका वन, जैसे पोटेशियम के है हाइड्रोक्साइड OH, इसकी वैलेंसी वन है, इसकी माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो के और OH, तो ये फार्मूला बन गया आपका। तो आपको इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो फॉर्मूला रिलेटेड। फिर स्टूडेंट्स एक टॉपिक आता है एटॉमिक मासेस का। एटॉमिक मासेस में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आपको क्या कह देंगे, एक एटॉमिक मास का टॉपिक है, एक फॉर्मूला यूनिट मास।
दोनों बिल्कुल सेम है। एटॉमिक मास का मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कह दिया कि पानी है, इसका मास बताइए, तो कुछ नहीं करना होता, हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल देखिए आप। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, याद रखना इवन नंबर वालों में हम डबल कर देते हैं और ओड वालों में एक ऐड कर देते हैं, लेकिन वो ऐड कब करना होता है, 10 से ऊपर वालों में। ये आगे तो जब और पीरियडिक टेबल में जाओगे ना तब तो दो भी ऐड हो जाते हैं, कई बार तीन भी, वो एक्सेप्शनली हम देखते हैं। वैसे जनरलाइज याद रखने के लिए इवन में एक ऐड डबल कर दोगे, ओड में 10 से अगर ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो उसका 1 ऐड कर देना। अब एक ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर 16, दो हाइड्रोजन का टोक तो कितना होगा 18। अगर आपको एटॉमिक मास पूछा है तो उसके लास्ट में आप यू लगा दोगे, AMU बोलते हैं जिसको, AMU उसको आजकल तो हम यू से डिनोट करते हैं, यूनिफाइड मास। वैसे स्टूडेंट्स ये मास कैसे निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो पहले है ना अलग अलग एलिमेंट्स के, जैसे मान लो कि आप बाजार में जाते हो, आपको 1 किलो शुगर लेनी है, चीनी लेनी है, तो क्या करेगा अगला, किसी के रिस्पेक्ट में ही देखता है ना इसके, जैसे 1 किलो का वेट रख दिया एक तराजू में, एक में आपकी शुगर रख दी, दोनों को बैलेंस करके आपको दे दिया, बराबर है। तो हमारे एलिमेंट में कैसे मासेज का आया, तो सबसे पहले वो बहुत सारे एलिमेंट्स देखे गए, ऑक्सीजन को भी सिलेक्ट किया गया, ऑक्सीजन को मान ले, लेकिन उसको नहीं मानते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन कर सकता है, तो कार्बन को एज स्टैंडर्ड माना गया, जैसे हमने 1 किलो का वेट स्टैंडर्ड मान लिया जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो कार्बन, तो वैसे AMU पूछ लेते हैं कई बार, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 1/12 मास ऑफ C12 एटम, जो कार्बन एटम का जो मास है, ठीक है, उसके ये वाला पार्ट, तो AMU को डिफाइन करना हो तो 1/12 मास ऑफ C12 एटम, थ्योरेटिकल आपका आ सकता है यहाँ से। अब फिर क्या हुआ स्टूडेंट, अगर मास को बताना है तो हर एक इंडिविजुअल एटम का मास देखोगे लास्ट में यू लगा दोगे, अगर इसी को कहे ग्राम एटॉमिक मास में करना है तो यू की जगह क्या लगा दो आप, जी कर दो। दूसरा आता स्टूडेंट्स आपका फॉर्मूला यूनिट मास, तो वो भी बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला यूनिट मास का भी मतलब जैसे NaCl यहाँ फॉर्मूला कर लिया, चार्ज की बात करें तो इस पर प्लस आएगा, मेटल्स प्लस आएगा, माइनस आएगा, तो इसका सोडियम का मास देखोगे 23 होता है, क्लोरीन का देखोगे 35.5 होता है, कैलकुलेट कर लोगे 58.5 आ गया, ये क्या इसका आ गया फॉर्मूला यूनिट मास। तो सिंपल एटॉमिक मास की जैसे ही फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूले में एलिमेंट है सबका मास देखो ऐड कर दो, फॉर्मूला यूनिट मास आ जाएगा, ठीक है। ये थे आपके स्टूडेंट्स, फिर लास्ट में एक टॉपिक था आपका मोल कंसेप्ट से, तो मोल निकालने का फॉर्मूला सीख लो स्टूडेंट्स, क्या होता है गिवन मास बाय में मोलर मास, जैसे आपको कह दे कि 5 ग्राम अन्योज का मोल बताओ हमें, तो स्टूडेंट्स गिवन कितना है 5, वो देगा हमेशा आपको, मोलर मास आप निकालोगे इसका टोटल कितना है। मोलर मास और मोलिकुलर मास में ये फर्क होता है स्टूडेंट्स, मोलिकुलर मास को जब हम 1 मोल से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है मोलर मास, लेकिन यहाँ पे मोल 1 ही होता है तो दोनों बात एक है। अब अन्योज का सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 40, तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिए मोल। तो ऐसे ही आपको क्या कर रखे, अलग अलग एग्जाम्पल देखे पूछेंगे मोल निकालो, तो गिवन मास दे रखा होगा, मोलिकुलर मास देखोगे आप, मोलर मास डिवाइड कर दो क्या निकलेंगे मोल। और तो कई बार आपको ये भी कर सकता है स्टूडेंट्स, मोल दे दे, मोलिकुलर मास आपको पता होगा, गिवन मास निकलवा ले, तो दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक और है लास्ट टॉपिक कि अगर 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10³³ मॉलिक्यूल, तो आपको कह दे कि एक कार्बन एटम में बताओ कितने, तो इतने यहाँ पे कार्बन एटम लिख दोगे, हाइड्रोजन एटम पूछे तो हाइड्रोजन, इसका ये अवोगैड्रो साइंटिस्ट ने केमिस्ट ने तो उसका नाम रख दिया गया अवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10³³। अगर आपको कहे कि 1 मोल में कितने वो हैं एटम है तो उसका मास देखोगे, फिर उसको 1 मोल के लिए पूछा तो इस अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो यही था स्टूडेंट्स आपका इस यूनिट में कि हमने क्या सीखा, 2 लॉ सीखी, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, यूनिट मास वैलेंसी फॉर्मूला से, और लास्ट में मोल कंसेप्ट देखा और अवोगैड्रो नंबर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।